आप लोग भी इग्निशियन है कि कॉन्ट्रा इंडिकेटरी सिम्टम के लिए इग्निशियन युनिवर्सली फेमस है, म्हणजे डोळे असताना सुद्धा काही दिसत नाही तिथे सुद्धा इग्निशियन देता येते. तुम्ही पण सगळे इग्निशियन मध्ये बसते का? मग का नाही बोलत आहे? आपले टीचर्स बोल सकते लेकिन उनको बोलना नहीं है और आपको बोलना है तो आप लोग बोल नहीं रहे. विदाउट हेजिटेशन बोलो. नेक्स्ट बता बेटा 19.43 पे. अब यहाँ पे देखो ये बच्ची बड़ी हो गई है, बड़ी होने के बाद में इसके दो बच्चे भी पैदा हो गए हैं. अब वो अपने बच्चों को संभाल रही है. अब देखो कैसे प्रॉब्लम आते हैं. उसकी पूरी जिंदगी इतने साल ऐसी गई, अतः ती स्वतः 17-19 वर्षीय मुलगी झालेली आहे. विद द मदर ऑफ टू किड्स, और किड्स भी छोटे नहीं है, 10-10-12 साल के, 9 साल के कुछ बच्चे उसके. अब देखो यहाँ पे इसके बच्चे पानी में खेलते हैं तो उसकी सास कैसे उद्धार करती है. वो बेचारी लेडी अपने किचन में खाना बना रही है और उसके बच्चे पानी में खेल रहे हैं. सास आके चिल्लाती, चिंदे ए चिंदे बाहर ये, आणि बघ तुझे पूरे पैसे पावसात भिगून राहिले, उद्या जर आजारी पडले तर खर्च काय तुझा, बाप देईल का डॉक्टरचा? ठीक आहे, बाप निघाली. वो बिचारी हाथ में की रोटी छोड़ के वैसी भागी सास की आवाज पे और जाती अपने बच्चों को पकड़ पकड़ के पीट पीट के घर में लाती. ये पीछे पलट के देख रही है. क्यों देख रही है? क्योंकि सास किचन में से चिल्ला रही है, पूर्ण भाकरी जाऊन टाकले, आता काय तुझा बा खायला आणून देणार आहे का? स्टॉप. यानी अल्टीमेटली क्या है हर जगह पे, तेरा बाप लाके ये करेगा क्या, तेरा बाप लाके वो करेगा क्या, इसमें उसको क्या मिल रहा है, क्या हो रहा है उसके साथ? बोलो बोलो. इतने बारीक बारीक बोलते कि यानी गलत भी हुआ तो सुनाई नहीं जाता और सही भी हुआ तो सुनाई नहीं जाता. नो स्टडी नो कंफ्यूजन एट ऑल. अरे बोलो ना. हाँ करेक्ट. ह्यूमिलेशन. ह्यूमिलेशन और एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन. इतने साल से वो बचपन से बड़ी हो गई ना, गालियां सुनते सुनते तो बड़ी हुई है. इतने साल सास ने डोमिनेट करके रखा है उसको. डोमिनेशन. बेटा वो पीपीटी दिखा, पीपीटी 9 पे आता है. हाँ डायरेक्ट कोई बता. डोमिनेशन लॉन्ग टाइम फॉर अ, लेकिन वो कैसे रिएक्ट कर रही है, उसका डिस्पोजिशन कैसा है, हाउ शी इज रिएक्टिंग. वो चुप है, बर्दाश्त कर रही है, बोल रही है क्या, गुस्सा तो आ रहा है, एंगर पॉजिटिविटी, लेकिन यील्डिंग डिस्पोजिशन, एक ऐसा डिस्पोजिशन रहता है, यील्डिंग रिएक्शन गिव अप नहीं करता, कोशिश करना नहीं छोड़ता, लेकिन उस समय पे वो कुछ नहीं बोलता, चुप हो जाता. यील्डिंग का एग्जैक्ट डिक्शनरी मीनिंग यही है कि पेशेंट सरेंडर पूरी तरह से नहीं करता लेकिन रिएक्ट भी नहीं करता. आपने अभी भी वो केस में देखा ना कि जब वो बच्ची गुस्सा होती है कुछ देर जाके अकेले बैठती है, फिर उसकी मम्मी चॉकलेट वगैरह देती है तो मान जाती है.